एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और कुक वान की वही पार्टी वाली वीडियो देख हैरान थी। और तभी वहाँ वान आती है और कुक उसे भी वो वीडियो दिखाती है। तो वान बोलती है, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो देख ली है, कल ही नोई ने मुझे दिखाया था। कुक बोलती है, तो फिर तुमने मुझे इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? तो वान बोलती है, मुझे डर लग रहा था तुम्हें बताने में, मुझे डर था कि तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो जाओगी। तो कुक बोलती है, तुमने डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं पिटती नहीं तो ये सब होता नहीं। और अब कुक वान को स्कूल जाने को बोलती है, लेकिन वान स्कूल नहीं जाना चाह रही थी बिकॉज उसे शर्म आ रही थी। तो कुक बोलती है, उस वीडियो की वजह से इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुमने जो किया वो बिल्कुल शर्मनाक नहीं है, और अच्छा हुआ ये क्लिप इंटरनेट में आ गई, जिस वजह से तुम इस मेमोरी को कभी भुला नहीं पाओगी, और जब भी देखोगी तुम्हें याद आएगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी, और अब तुम्हें सब कुछ फेस करना होगा। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। और तभी कुक को कोई उसकी पार्टी वाली फ़ोटो भेजता है, जिसमें कुक ने अपने फेस में बिल्ली की ड्राइंग कर रखी थी, और वो देख कुक को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वान के सामने अपने इमोशन कंट्रोल करती है। और अब स्कूल में नोई सोम के लिए गिफ्ट पैक कर रही थी, जो देख जैली और वान नोई को टीज करने लगते हैं सोम के नाम से। और यहाँ हमें पता चलता है सोम लड़की है, मतलब वो टॉम गर्ल है। और अब नोई सोम को वो गिफ्ट देती है, ये बोलकर कि वो उसे थैंक्स करना चाहती थी बिकॉज उसने भी तो उसे गिफ्ट दिया था ना। और इधर कोको शान के साथ ड्यू के कैफे में थी, जहाँ शान उसे पूछता है, अब तुम मुझे बताओगी हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? तो कोको बोलती है, क्या तुम अभी भी वान से प्यार करते हो? तो शान बोलता है, सच कहूँ तो मैं उसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो कोको बोलती है, क्या तुम किसी और में ट्राई नहीं करना चाहते? तुम सबसे अच्छे लड़के हो जिसे मैं जानती हूँ, तो अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम मेरे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल सकते हो? और ये सारी बातें मज़े से डी और उसका सर्वेंट सुन रहे थे। और ये सारी बातें सुन शान स्माइल करता है, और अब कोको और शान एक साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर देते हैं, जिसमें दोनों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। और इधर को गुस्से में डाओ के अपार्टमेंट आ गई थी, जहां वो डाओ को वो फ़ोटो दिखा उसमें इल्ज़ाम लगाती है, उसने उसकी वो फ़ोटो ली है, मगर डाओ उस फ़ोटो को देख हंसने लगता है और बोलता है, मैं जब वहां आया था तब तुम वैसी दिख ही नहीं रही थी, और मैंने ये फ़ोटो नहीं लिया है। तो कुक बोलती है, मगर ये फ़ोटो तुमने लाइक की है। तो ड्यू बोलता है, मुझे माफ़ करना लेकिन मैंने ये फ़ोटो लाइक की है। और ये बोलकर ये दोनों ही पागलों की तरह हंसने लगते हैं, और कुक उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। तो डाउ उसे रूम लेकर जाता है और बोलता है, कल तुमने अपने दिल की सारी बातें बोल दी थी, तो अब तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुमने मुझे मिस किया था? लेकिन ये बात कुक एक्सेप्ट नहीं करती, तो डाउ उसे बैक हक कर वापस रिलेशन में आने को बोलता है। तो कुक बोलती है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे? तो डाओ बोलता है, शायद मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। और इधर कोको और शान दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे थे, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे की वजह से काफी इंजॉय किया था और अब कोको शान को ये बोल चली जाती है कि अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम बोल सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हें अब मेरे में दया करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में शान और ड्यू डाओ के अपार्टमेंट में थे, जहाँ डाओ उन दोनों को बोल रहा था, तुम दोनों ने मेरा घर अपना समझ लिया है क्या? जब देखो यही पड़े रहते हो। तो ड्यू बोलता है, आजकल तुम खुश दिखते हो शान, कोको के साथ सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारा? और ये सुन डाओ शॉक रह जाता है, बिकॉज उसको तो कोको को लेकर कुछ पता ही नहीं था, और वो उसे पूछता है, ये कोको कौन है, मैं उसे क्यों नहीं जानता? तो ड्यू बोलता है, कोको वान की दोस्त है। और अब डाओ शान से गुस्सा हो गया था, बिकॉज उसका कहना था शान ने उसे सीक्रेट रखना चालू कर दिया है। तो शान बोलता है, मैं बता रहा हूँ ना, उसने बोला उसे किसी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कोशिश करना चालू कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, और ये है कि मैं अभी भी वान से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। तो डाओ बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे मिलकर सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, जिससे तुम मूव ऑन कर पाओगे। तो ड्यू बोलता है, पहले तुम अपना मसला तो ठीक कर लो, फिर दूसरे को प्यार में लहसन देना। तो शान बोलता है, वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन मैं वान को मिलने के लिए कैसे मनाऊँ? और अब शान के दिमाग में कुछ चलता है, और वो डाओ से मदद मांगता है, क्योंकि वो ही उसकी हेल्प कर सकता था। और इधर बॉस और कुक दोनों काम में बिजी थे, लेकिन उन दोनों के पीछे बैठा हुआ कॉन्ग मज़े से वान से ब्लश करते हुए चैटिंग कर रहा था, और ये चीज़ कुक नोटिस कर रही थी, और वो बोलती हैं, तुम्हें न्यू विक्टिम मिल गई है, देखो कैसे ब्लश करते हुए चैटिंग कर रहे हो। और अब कॉन्ग वान को पिकअप करने के लिए जाने लगता है। कुक बोलती
होती है। तुम्हें किसने वान को पिकअप करने के लिए बोला? जब से मैंने तुम्हें वान के साथ रूम में देखा है तब से मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, और अब कॉन्ग के जगह बॉस को वान को पिकअप करने को बोलती है। और जैसे कुक वहाँ से जाती है, कॉन्ग बॉस को बोलता है मुझे वान को पिकअप करने के लिए जाने दो, लेकिन बॉस इसके लिए मना कर रहा था बिकॉज उसे भी कुक से डर लगता है। लेकिन कॉन्ग उसे भीख मांगने लगता है, मगर जब उससे भी बात नहीं बनती तो कॉन्ग बोलता है मैंने ऑलरेडी वान के साथ प्लान्स बना लिया है, मैं और वान सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और तुम इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते हो, खासकर तो कुक को, वरना वो मुझे जान से मार डालेगी। बॉस बोलता है तुम एक 18 साल की लड़की को डेट कर रहे हो जो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन है, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें वान को पिकअप करने जाने नहीं दे सकता। तुम्हें पता है कुक कितनी डरावनी है, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगी। कॉन्ग बोलता है तुम मेरे एम्प्लॉय हो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और यह सुन बॉस उसे तुरंत कार की दे देता है। और इधर हम कोको और शान को एक साथ देखते हैं, जहां कोको शान से उसके 3 फ्लोर्स के बारे में पूछती है, और अगर वो उसे बताएगा तो वो भी उसे अपने फ्लोर्स के बारे में बताएगी। तो शान बोलता है मुझे सोने से पहले नहाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसीना आता नहीं है और मैं बस सुबह ही नहाता हूँ। और ये सुन कोको को बड़ी घिन आती है और शान उसे उसके फ्लोर्स के बारे में पूछता है। तो कोको बोलती है मैं 4th माउथ हूँ। और ये सुन शान की हंसी छूट जाती है और वो बोलता है कोको मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्या वान ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया? और ये सुन कोको बहुत दुखी हो जाती है और ये बोल चली जाती है कि तुमने सारा मूड ख़राब कर दिया। और इधर डाओ कॉन्ग को कॉल कर उसे वान को अपने साथ कैफ़े लाने को बोलता है, जिसके लिए कॉन्ग मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम लोग कॉन्ग और शान को एक साथ देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाए हुए बैठे थे। और जब वान डाओ से पूछती है कि यहां क्या चल रहा है तो वो बोलता है तुम्हें खुद आगे पता चल जाएगा। तो शान बोलता है जब से मैं और वान अलग हुए हैं तब से मेरा दिल बेचैन है। वान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुमसे मूव ऑन करने का। और ये सब सुन कॉन्ग भड़क जाता है, लेकिन शान उसे शांत होने को बोलता है क्योंकि अब वो नई शुरुआत करने वाला है किसी और के साथ, और इसलिए शान को अपना रिलेशन पूरी तरह से वान से ख़त्म करना है वरना सारी चीज़ आधी अधूरी रह जाएगी। तो वान बोलती है तुम बहुत अच्छे लड़के हो शान, और मैंने भी पूरा ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो शान बोलता है और मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, मैं अपना न्यू रिलेशन उस लड़की के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ जो तुम्हारी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो वान उस लड़की का नाम पूछती है और शान उसे बता देता है वो लड़की कोको है। और कोको का नाम सुन वान बहुत खुश हो जाती है और उसे उसकी फ्रेंड कोको का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे देती है। और कॉन्ग अपनी बदतमीजी के लिए शान से माफ़ी मांगता है और बोलता है अगर तुम नहीं रहते वान की लाइफ में तो मैं कभी जान नहीं पाता कि मैं वान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। शान बोलता है वान मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो, वरना मैं कुक को बता दूंगा। और ये सब देख ड्यू इमोशनल हो गया था, मगर डाओ उसे बताता है इसमें इमोशनल होने वाली कोई बात नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में डाओ कुक को अपने घर बुला रहा था बिकॉज वो उसे मिस कर रहा था, लेकिन अभी कुक सिर्फ वान के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसने ही उसे परेशानी में डाल रखा था। और तभी एक स्टाफ बॉबी को लेकर आती है जो कि आज का मॉडल था, जिसे देखकर कुक बड़ी सी स्माइल पास करती है, मगर बॉबी गुस्से में दिख रहा था। और अब कुक बॉबी का फोटोज़ लेना शुरू करती है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉबी उसे फुल्ली इग्नोर कर देता है। और अब बॉस आकर कॉन्ग को बोलता है कुक टेंस लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? तो कॉन्ग बोलता है वो इसलिए बिकॉज वो अपने एक्स से मिली है जो आज का मॉडल है उसका, और आज की जो मॉडल थी वो कॉन्ग को आ बोलती है मुझे मेरे फोटोज़ चाहिए। तो कॉन्ग उसे अपने लाइन आईडी देने लगता है, तो वो मॉडल बोलती है तुम चाहो तो उसे ज़्यादा मुझे कुछ दे सकते हो। और अब तो कॉन्ग वान को पिकअप करने का भूल ही जाता है और उस मॉडल को फोटोज़ देने में पूरा लग जाता है। और इधर वान और कोको दोनों स्कूल में अपना असाइनमेंट देते हैं, जहां वान के असाइनमेंट में वो इनडायरेक्टली कोको से माफ़ी मांग रही थी। और इधर बॉबी शूट खत्म होने के बाद जा रहा था, जहां कुक उसे रोकती और बोलती है मुझे उस दिन के लिए माफ़ी मांगनी है और मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि मैं बस उस प्रैंक की विक्टिम हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो।
तुम चुप रहते हो तो मुझे गिल्ट होता है। तो बॉबी बोलता है, मुझे भी माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं भी उस दिन बिना कुछ बोले चला गया था और बात प्रैंक की नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गेम का हिस्सा हूँ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और उस दिन मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। और क्या तुम मुझे एक बात बताओगी, क्या तुम्हें कभी भी मेरे लिए रियल फीलिंग्स रही है? तो कुक बोलती है, मुझे अच्छा फील होता था लेकिन। और ये सुन बॉबी उसे अब से बस एक फोटोग्राफर और मॉडल का रिश्ता उन दोनों के बीच रखने को बोलता है। और धरवान को कुक को बोलती है, जो फ्रेंड आज तुम्हें लेने आएगा वो शान है क्या? और ये सुन कुक को थोड़ी हैरान दिया। और इधर कॉन्ग वो मॉडल को बड़ी क्यूट लग रही थी और उसे अब याद आता है कि उसे तो वान को लेने जाना था और वो लेट हो चुका है। और इधर बॉस वान के साथ था, जहाँ वान कॉन्ग को कॉल कर उससे पूछती है वो नहीं आएगा क्या, आज का मूवी डेट कैंसिल करने वाला है क्या? लेकिन कॉन्ग इससे साफ मना करता है और वो जल्द ही वान के पास आने का बोलता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। Me for